और चलिए इसी देर कर लेते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है। मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयां ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पर आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर एक संदेश जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन्हें मिला उसके बारे में यहां पर बताते हुए नजर आए। इससे पहले मंत्री आतिशी को भी जल मंत्रालय के लिए आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिला और अब स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मिला, यानी के आदेश मिल रहे हैं, जेल से आदेश भेजे जा रहे हैं सीएम केजरीवाल की तरफ से, ऐसा दावा किया इन दोनों मंत्रियों ने। लेकिन वहीं अब इस मामले में एक और जानकारी सामने आ रही है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरह से ये संदेश यहां पर भेजे जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में रहते हुए भी दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं, हिरासत में भी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर के निर्देश दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की कमी ना हो इसके लिए निर्देश दिए हैं, हिरासत में भी लोगों के बारे में सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सीधा सा एक संदेश देने की ये कोशिश